बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर जो टी गार्ड आप देख रहे हैं, ऐसा टी गार्ड आपने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। सबसे खूबसूरत बात इस टी गार्ड की यह है कि ये पेड़ को बचाता है, साथ में पेड़ को पानी भी देता है, और ये बींग हेल्पर फाउंडेशन की तरफ से लगाया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक जो है लंबा सा पीपल का पेड़ है, और इसको जो गार्ड दे रहा है, जो गार्ड कर रहा है, जो इसकी सुरक्षा कर रहा है, ये बेस्ट पड़ी पानी के बोतल का टी गार्ड से हो रहा है इसकी सुरक्षा। ये जो पानी का बोतल आप देख रहे हैं, ये बेस्ट पानी के बोतल है जिनको पानी पीने के बाद लोगों ने फेंक दिया था, कूड़ेदान में डस्टबिन में फेंक दिया था डस्ट समझकर। उस डस्टबिन से निकाल कर इस पानी के बोतल को एकत्रित करके टी गार्ड बनाया गया। इसकी खूबसूरती सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको पूरे विश्व में ऐसा टी गार्ड कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कनाडा चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, ब्राजील चले जाइए, आपको ऐसा ट्री गार्ड देखने को कभी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा खास बात इसका यह है कि यह पेड़ को बचाता है, साथ में बारिश के पानी को एकत्रित करके यहां पर स्टोर भी करता है। अब जब मैंने शुभम भाई से इस पर बात किया हुआ था तो उन्होंने कहा कि जो पानी बरसता है ना, वो बारिश का पानी बोतलों से होते हुए एक इसमें छिद्र किया गया, इधर पास में आइए, इन बोतलों में एक छिद्र किया गया है, और यहां से नीचे 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 पानी जाकर जो है यहां स्टोर हो जाता है, और कोई भी आकर इसको खोल देगा ऐसे पकड़कर ढक्कन, तो ये पानी जो है पेड़ को मिल जाएगा। वैसे तो ये बूंद बूंद टपकता रहता है, लेकिन किसी कारण बस अगर जाम हो जाता है तो आप इसको खोल दीजिए और ये पानी जो है पेड़ को मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, अब ये पानी जो है वो पेड़ को मिल गया है, और फिर इसको आप कवर कर दीजिए, ऐसे ही सारे में है, ये देखिए ये। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा ट्री गार्ड जो है आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये देखिए ये देख रहे हैं, ये पानी, अब इसमें से जो पानी होगा वो पेड़ तक पहुंचेगा, और पेड़ जो है इससे जो है सींचा जाएगा, पेड़ सींच जाएगा, और पेड़ जो है उसको प्रॉपर मात्रा में पानी मिलता रहेगा। लेकिन देखिए इधर कुछ छछूंदर टाइप के लोग भी आते हैं मरीन ड्राइव पर, जो इसके अंदर ये मकई का बाली डाल देते हैं। देखिए अब इसको किसी ने बनाया अच्छे के लिए, और कोई इसका बुरा चाहकर जो है बुरा सोचकर इसके अंदर कुछ कूड़ा करकट डाल देता है। और पटना के मरीन ड्राइव का ये जो ट्री गार्ड है ये खूबसूरती बढ़ा रहा है। आप आगे आइएगा तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। और ये बींग हेल्पर फाउंडेशन जो शुभम भाई द्वारा संचालित किया जाता है उसकी तरफ से जो है लगाया गया है। मैंने जब शुभम भाई से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि इस पहल को देखते हुए हमको पाकिस्तान जैसे जगहों से फोन आया। अब देखिए यहाँ से पानी, बारिश का पानी या कोहरे का पानी जो है इसमें गया, इसके बाद यहाँ से होते 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 पानी यहाँ आकर इस बोतल में स्टोर हो गया है। ये जो पानी है किसी ने भरा नहीं है, बल्कि ये पानी जो है बारिश का पानी है। इधर आइए थोड़ा सा इधर, हाँ देखिए इसको पकड़िए इसे माइक को। अब इसको हम ढक्कन जैसे खोलेंगे, ये पानी जो है वहाँ पेड़ तक पहुँच जाएगा, पेड़ के किनारे जो है नमी आ जाएगी। ये देखिए वैसे ये जो है छेद किया गया है, लेकिन जो है ये जाम हो गया है। देखिए ये अब ये पानी जो है ऐसे गिर जाएगा, ये पानी गिर जाएगा, और ऐसा मैंने शुरू में आपको कहा कि ऐसा ट्री गार्ड जो है आप कहीं नहीं देखे होंगे। अब ये पानी बूंद बूंद गिरता रहेगा, और हम कहेंगे आपसे, निवेदन करेंगे कि जो भी पटना से आते जाते लोग हैं, मरीन ड्राइव से आए जाएं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जब भी देखें कि ये पानी भरा, इसको आप खोल दीजिए, ऐसे ऐसे खोल दीजिए। अब देखिए इसके अंदर डस्ट जम गया, इसलिए ये जाम हो गया था, नहीं तो ये बूंद बूंद भर पानी जो है वो टपकता रहता है। तो ये पानी स्टोर करने का एक अच्छा तरीका भी है, बारिश के पानी को कैसे स्टोर किया जाए उसका एक अच्छा तरीका, और पेड़ों को भी बचाने का एक अच्छा तरीका है। ये बेस्ट पड़ी यानी कूड़े में पड़ी पानी की बोतलों को एकत्रित किया गया, तार के सहारे इनको जोड़ा गया, साथ में लोहे का यानी स्टील का एंगल बनाया गया, और इसको जो है पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। अब ऐसी जो चीजें हैं वो बिहार में ही हो सकती हैं, और शुभम भाई ने बताया कि हमको पाकिस्तान से फोन आया था इन चीजों के लिए। तो इस ट्री गार्ड के बारे में, इस पेड़ कवच के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। हमको लगता है कि ये पेड़ कवच अगर लगता है तो बारिश के पानी को भी बचाया जा सकेगा, इसके बाद ये जो प्लास्टिक से होने वाले हानि है उसको भी बचाया जा सकेगा, और दूसरा जो है जो लकड़ी का फट्टा का ट्री गार्ड बनता है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ट्री गार्ड जो है वो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रहेंगे, पेड़ों के लिए भी सुरक्षित रहेंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।